दूसरा सवाल है आपके सामने HDFC AMC को लेकर के। यहाँ दीपक जी पूछ रहे हैं दिल्ली से कि HDFC AMC में उनकी खरीदारी 3100 रुपये पर है, इसमें करना क्या चाहिए। अब दीपक जी ने ये नहीं बताया कि वो कितने समय के लिहाज से इसमें खरीदारी की है उन्होंने, लेकिन मोटे तौर पे 3100 का खरीद भाव जो अभी स्थिति दिख रही है उसके लिहाज से क्या राय है आपकी। देखिए, HDFC AMC को वैल्यूएशन बहुत रिच मिलता था, लेकिन दो नेगेटिव साथ में हुए। एक तो जो ड्यूरिंग कोविड रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा था इक्विटी मार्केट में, एक वो पार्टिसिपेशन खत्म हो गया, प्लस थोड़ा इनका मार्केट शेयर भी ज्यादा। इसके कारण से जो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था उसका करेक्शन आया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक या BFSI सेगमेंट एज सच नए हाई की तरफ जा रहा है, तो इन सब स्टॉक्स में धीरे धीरे बाइंग आनी चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, ये सब बहुत हेवी स्टॉक है, इसमें एक बारी में चाल नहीं आती है। इनमें जब आपका मार्केट में ओवरऑल नया हाई या मोमेंटम रहता है तब चाल रहती है, वैल्यूएशन हेवी स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है AMC एज ए बिजनेस तो काफी समय तक रहने के सिचुएशन में है, उनका वैल्यूएशन उनके फेवर में नहीं जा रहा है, वो एक परेशानी है। तो उसके कारण मैं ये नहीं कह सकता कि सीधा 3000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उसमें हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे। लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिलने के लिए सारे AMC शेयर्स को मिल सकता है। थोड़ा रिजल्ट हर बार जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आएगा वो उनको फेवर करेगा, प्लस ये लोग थोड़े बहुत डिविडेंड देते रहते हैं, तो कंप्लीटली इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा स्टॉक से, बिकॉज इसका भी आई थिंक 2% 2.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड रहता है। तो कंप्लीट इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, प्लस ये फंड की होल्डिंग रहती है इन सब स्टॉक में। तो ओवरऑल सेफ स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। थोड़ा निफ्टी का नया हाई वगैरह बने, निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, BFSI का, तो शायद फिर इसमें भी चाल अच्छी देखने को मिले, क्योंकि वैल्यूएशन इस लेवल पे तो मुझे फेवरेबल ही लगता है। जी, तो सवाल यह है कि अगर यहाँ पर फेवरेबल वैल्यूएशन है तो यहाँ पर खरीदारी करके रख लेना चाहिए पोर्टफोलियो में, या उसके लिए और हमें किसी कंफर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज पार करके उसके ऊपर टिके तब खरीदें, या किसी और तरीके से हम कोई एक अपना नियम बना लें कि जब ऐसा होगा तब उसमें नई खरीदारी करें। चूंकि इनका 3100 का खरीद भाव है, तो क्या यहाँ पर इन्हें एवरेज करना चाहिए, और एवरेज करना चाहिए तो किन लेवल्स पे करना चाहिए। अब मुझे जो रास्ता समझ में आता है मैं समझाता हूँ, फैसला वो खुद लेंगे। मुझे फॉर सम रीजन कुछ पैरामीटर्स पे ये स्टॉक फ्यूचर पॉजिटिव दिख रहा है। फ्यूचर पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 2000 तक का जो है रास्ता ये तो तय होना चाहिए। HDFC AMC मिनिमम 2000 लेवल तक तो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी डिपेंड करेगा वहां जाके कि इसका परफॉर्मेंस जो अभी आया, इसमें इसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, सॉरी, ये रिजल्ट आ जाता तो मैं आपको बेहतर बता पाता। तो अगर रिजल्ट इसका थोड़ा भी फेवरेबल आएगा तो वैल्यूएशन इसके फेवर में जा रहा है, जो मुझे देख के लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जो डिजर्व करता था लोग वैल्यूएशन उसके आधे आधे भाव पे ट्रेड हो रहे हैं। तो उस केस में इसमें अगर 1-2 क्वार्टर जैसा भी रिजल्ट दे दिया थोड़ा भी अच्छा, तो फटाफट इसमें 10-20% 25% की राइस कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा, उसके बाद जाके फिर ये रेस्ट रेस्ट लेगा कहीं पे। आप खरीदने का और एवरेज करने का यही मामला है कि देखिए, अगर आप अर्ली एंट्रेंट होना चाहते हैं तो इसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया 50 DMA के ऊपर सस्टेन हो रहा है, बाकी काम रिजल्ट को करना है, तो एवरेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सिर्फ मान लीजिए कि अगर टुवर्ड्स 1800 मिले तो थोड़ा बहुत और ऐड किया जा सकता है, लेकिन जो हायर लो पैटर्न बन रहा है 1735 का, उसके नीचे क्लोज हुआ तो फिर एवरेज जो पोजीशन है उसको रखने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो एवरेज करना तो होगा, लेकिन करना चाहे तो करें, लेकिन टैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा, लेके उसको रख नहीं सकते हैं 1735 के नीचे, फिर जो होप बन रहे हैं वो खराब हो जाएंगे। अदरवाइज ये रह गया तो आप समझे आपके फेवर में चला जाएगा पोजीशन। जी, मतलब ये कि अभी एक सकारात्मक चाल बनने की उम्मीद तो है, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं पर ये जो पैटर्न बन रहा है वो फिजल आउट ना हो जाए, वो पैटर्न जो है वो ख़राब ना हो जाए, इसका ध्यान रखें और उसके हिसाब से
आप अपना निर्णय ले, चूँकि खरीद भाव काफ़ी ऊंचा है, तो इसीलिए मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या एवरेज आउट करना बनता है। और वो इसलिए पूछा क्योंकि HDFC AMC को आमतौर पर पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर माना जाता है, तो एवरेज करने की बात में जो पहला पैमाना सोमेश जी अक्सर कई बार बताते हैं कि भाई उसी में करिए जिसके अंदर दम हो और वो हालात का मारा हुआ शेयर हो, तो वहाँ पर तो एवरेज करने की रणनीति सोची जा सकती है। और उसमें ज़रूरी होता है कि फंडामेंटल बेसिस पे वो उस लायक दिख रहा है या नहीं, तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी अभी ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एवरेज करने के विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आप खोजबीन अपनी खुद भी करिए, रिसर्च करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, दूसरों से भी सलाह लीजिए और फिर अपना निर्णय लीजिए, एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए।